हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हम IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 दिन तक कंटिन्यू मैंने आपको वीडियोस दी थी। कल मैंने आपको वो वीडियो भी दे दी है जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम इन 30 और 35 दिन में प्रिपेयर करें, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, वन डे मिसलिनियस वन डे पज़ल। तो आज बारी है मिसलिनियस की, और मिसलिनियस में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ब्लड रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़े ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ इस वजह से, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप लोग वहाँ पर उनको फॉलो कर सकते हो। चलो तो देख लेते हैं। बस मैं यही कहूँगी, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊँगी और 1 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको खुद से करना है। आप लोग के पास में 1 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1:20 हो रहे हैं, देखते हैं 1 मिनट 30 सेकंड में कौन कर पाता है। जल्दी कीजिए गाइस, टाइम हो रहा है, बस 1 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है, केवल 5 सेकंड बाकी हैं 1 मिनट होने में। गाइस 1 मिनट कंप्लीट, नाउ ओनली 30 सेकंड लेफ्ट। ओनली 10 सेकंड लेफ्ट। जल्दी से आप अपने मन में सोच लो कि पी रिलेटेड 12 5 4 3 2 1। रुक जाओ अब, और अब देखो स्क्रीन पे कि मैं कैसे सॉल्व करूँगी। देखो, देयर आर 7 पर्सन, 7 लोग हैं एक फैमिली में। सबसे बढ़िया चीज़ दे रखी है, केवल 2 ही जनरेशन है, ठीक है। ए इज डॉटर ऑफ पी, तो आप जरा अलग से लिख लो कि पी की कोई डॉटर है ए, ठीक है। एस इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, देखो सिस्टर इन लॉ कैसे होती है, 2 केस में बनता है। सिस्टर इन लॉ कौन होती है, या तो जो आपके हस्बैंड या वाइफ हो उनकी सिस्टर हो वो हो जाएगी सिस्टर इन लॉ, या फिर आपके जो ब्रदर होंगे ना उनकी जो वाइफ होंगी जिनको आप कहते हो भाभी, वो हो जाएंगी आपकी सिस्टर इन लॉ। तो पहले बनाते हैं कि एम के संग में जो कपल बनाएगा उसकी सिस्टर हो जाएगी एस, या फिर आप एक और बना लो कि एम के जो ब्रदर होगा उनकी वाइफ हो जाएगी एस, ठीक है, वो भी हो गई सिस्टर इन लॉ। दोनों केस सही है, आगे जाके देखेंगे कौन सा कोई है गलत होगा। टी इज सन ऑफ एम, अच्छा तो यहाँ पर लिख लो कि टी जो है वो क्या है, यहाँ पर सन है एम का, तो आप चाहो तो यहीं पे बना लो कि एम का जो सन है वो टी है। पी इज मैरिड टू एम, अच्छा पता लग गया कि बी की शादी एम से हुई है। एंड हैज ओनली 1 चाइल्ड, और इनके पास में 1 ही चाइल्ड है, जो कौन हो गया, जो यहाँ पे दे रखा है टी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एल इज सन ऑफ एस, अच्छा एस का सन है एल, ठीक है। एम एंड डी, एम एंड पी डू नॉट हैव सिबलिंग, अरे वाह पता लग गया कि एम और पी का कोई भी सिबलिंग मतलब कि भाई बहन नहीं है, मतलब यहाँ पर जो ये हमने एम का भाई बनाया था तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि एम का तो सिबलिंग होगा ही नहीं। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि एम की कोई ना कोई यहाँ पे उसके संग में कपल बनाएगा, कपल कौन बनाएगा, बी बनाएगा, उसकी कोई सिस्टर हो जाएगी एस इस ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग। अब इसके क्या हो जाएगा,
का एक सन है टी और एस का यहाँ पे सन है एल। अब आपको पता है पी का भी कोई सिबलिंग नहीं है, तो आप ना तो टी का भाई बहन बना सकते हैं पी को, ठीक है, और आप उसका हस्बैंड वाइफ भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि दो ही जनरेशन है। आप बी का भी या भाई बहन हो तो किसी का भाई बहन नहीं बना सकते, केवल आप ये किसी का कपल बनेगा। क्यों कपल बनेगा? क्योंकि भैया फिर हमें पता है कि पी की एक डॉटर भी है, तो ये तो कन्फर्म है कि पी आपकी इस वाली जनरेशन में जाएगा। क्योंकि अगर इस वाली जनरेशन में लिखते हो तो एक और जनरेशन बनानी पड़ेगी और हमारे पास में दो ही जनरेशन है, तो डेफिनेटली केवल किसका हस्बैंड बन जाएगा? वो बन जाएगा एस का, ये बन गया पी हस्बैंड। अब इनकी एक डॉटर हो जाएगी जो हो गई ए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो एम और बी के बारे में क्या कंफर्म हो पा रहा है? नहीं, एम और बी के बारे में हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि इनका जो हमारे पास में जेंडर है वो क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए पी रिलेटेड टू एल, तो कौन है पी? बिल्कुल सही, एल के लिए पी जो है वो आपका दे रखा है कि पी जो है वो हमारा फादर है, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके चलिए, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगेन आप लोगों के पास में 1 मिनट 30 सेकंड है, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। 6 हो रहा है और 1 मिनट 30 सेकंड में रुकूंगी। जल्दी जल्दी कीजिए, 40 सेकंड हो गए हैं, 50 सेकंड बाकी हैं। गाइज ओनली 15 सेकेंड लेफ्ट, फास्ट करो, क्या कर रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो? गाइज टाइम ओवर, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम है, सॉरी 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। अब रुक जाओ, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक फैमिली है जिसमें 3 जनरेशन है, ठीक है। आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ पर्सन आर अलाइव, मतलब कि या तो किसी बच्चे के पेरेंट्स में मम्मी पापा मदर फादर दोनों होंगे या फिर कोई भी नहीं है, ठीक है। ओके, यू इज ओनली सन ऑफ बी, ठीक है, बी का एक इकलौता बेटा है यू। आगे बोला जा रहा है क्यू इज फादर इन लॉ ऑफ सी, अच्छा क्यू के बारे में बता दिया गया है कि क्यू जो है वो फादर इन लॉ है सी का, मतलब कि क्यू का कोई बेटा या बेटी होगी जिसके फादर हो जाए, जिसकी वाइफ या हस्बैंड हो जाएगी सी। सी हैज अ सन, अच्छा सी के पास में कोई सन है, ओके। ई डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, अच्छा ई का कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो कॉर्नर में लिख लो ई अकेला है। और ई का स्पाउस, मतलब कि ई क्यू के संग में स्पाउस नहीं बनाएगा, क्यू के संग में कपल नहीं बनाएगा। के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, अच्छा के जो है ब्रदर इन लॉ है यू का, तो अगेन दो केस बनेंगे, या तो यू का हस्बैंड वाइफ हो जाए उसका ब्रदर हो जाए के, या फिर यू का कोई सिस्टर हो जाए और उसके हस्बैंड हो जाए के, ठीक है, बाद में देखेंगे कौन सा सही है। देखो अब कहीं ना कहीं हम इसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं एक तरफ पर्सन लिख लेते हैं, यू है हमारे पास में, बी है, क्यू है, सी है, ई है और हमारे पास में के है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। तो इस वाली लाइन को अलग से कर लो जरा यहाँ पर। अब देखो अब क्या बोल रहा है आपसे, हर एक पेरेंट्स के दोनों होंगे तो यहाँ क्यू की वाइफ भी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो हमारे दो लोग तो ये हो गए क्यू और क्यू की वाइफ, एक जो सी के संग कपल बना रहा है ये 4 लोग हो गए, एक वो जो उसका सन है वो हो गया, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है क्यू की वाइफ कौन होगी। देखो अब क्यू की वाइफ के नहीं हो सकती, कट करते जाओ, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है, इसको कहते हैं हम एलिमिनेटिंग मेथड। अब जो हमारा यहाँ पे है क्यू की वाइफ जो है वो आपकी क्या नहीं हो सकती, के नहीं हो सकती, क्योंकि भैया के तो मेल है, ठीक है। अब हम देखें तो यू नहीं हो सकता क्योंकि यू भी भैया मेल है,
बी बी हो सकता है कि हाँ बी हो सकता है, तो रुक जाओ अभी आगे क्यू क्यू के बारे में पहले से, सॉरी क्यू तो खुद होगा ही नहीं ना, ठीक है। सी नहीं हो सकता, सी तो उसकी क्या है मतलब उसके बेटे या बेटी की हस्बैंड या वाइफ है। ई नहीं होगा क्योंकि ई के बारे में पहले से कैंसिल किया हुआ है ना। और बचता है हमारे पास में, बस सब हो गए, बचा केवल हमारे पास में बी। तो अब बिल्कुल सही बात है कि कौन हो जाएगा, क्यू की वाइफ हो जाएगी बी। अब जब क्यू की वाइफ बी हो गई तो इसका सन हो जाएगा यहाँ पर यू, ठीक है। ज़्यादा लोग नहीं है इसलिए और भाई बहन नहीं बनाएंगे। अब सी हो जाएगी इसकी वाइफ, 5 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, एक और बैठना है जो कि हो जाएगा यू का ब्रदर इन लॉ। अब देखो अगर हम ये वाला केस बनाते हैं, यू की सिस्टर लेते हैं, तो इतने हमारे पास लोग नहीं है सिस्टर लेने के लिए, इस वजह से ये वाला केस फॉलो करेगा, यू की वाइफ का ब्रदर हो जाएगा के, बचा ई तो ई हो जाएगा सन। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अच्छा बी सी से कैसे संबंधित है तो आप लोग चेक कर लेना, बी कौन हो जाएगा सी के लिए मदर इन लॉ। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ए इज डैश ऑफ बी, ए बी का की डैश है, ठीक है। चलो तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको डेली लेवल पर हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं। चलिए सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बी हैप्पी, कीप लर्निंग एवरीवन, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।